तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने USDT TRC20 का वैलेट किस तरह क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्ले स्टोर से ट्रस्ट वैलेट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसका अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आपने भी वॉच कर लेनी है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आपने इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे नीचे आपको कुछ वैलेट दिखाई दे रहे हैं, BTC, Ethereum, BNB, TWT, Matic। ओके सर, ये वैलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ NFT कॉइन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके सर, तो क्रिप्टो में आ जाते हैं। आपने किस तरह USDT TRC20 का वैलेट क्रिएट करना है, जैसे कि नीचे क्रिएट हुए पड़े हैं, जैसे कि बिटकॉइन का आप देख सकते हैं, सेंड रिसीव बाय मोर, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम USDT TRC20 का वैलेट भी क्रिएट करेंगे। ऊपर देखें, कॉर्नर में आपको दो डॉट नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इनके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। नीचे आपके पास बहुत सारे वैलेट वगैरह आ जाएंगे, कॉइन वगैरह आ जाएंगे। ऊपर एक सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपने सर्च कर लेना है USDT। ओके सर, USDT TRC20 सर्च कर लेना है आपने। TRC20 नहीं लिखना, जस्ट आपने USDT लिख लेना है। जैसे USDT लिखेंगे, आपके पास नीचे USDT बहुत सारे आ जाएंगे। ओके सर, अब आपने USDT TRC20 वाला फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर USDT TRC20 वाला नेटवर्क फाइंड कर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है USDT ट्रॉन वाला सेकंड नंबर पर, यही असल में TRC20 वैलेट है। इसको मैं ओपन करके अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर देखें, ट्विटर TRC20 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओके सर, अब मैं दोबारा वापस बैक आ जाता हूँ। इसके सामने एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, वो डिसेबल है, इसको आपने इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे, वापस मेन पेज पर आएंगे, नीचे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं हमारा USDT TRC20 का वैलेट क्रिएट हो चुका है। सेंड रिसीव बाय सेल वाला ऑप्शन भी आ चुका है।